अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इमाम अलहक को आउट करने से कबल गेंद को मुंह के करीब ले जाने वाली हरकत से पर्दा उठा दिया। हार्दिक पांडे ने सारी हकीकत बता दी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हफ्ते के रोज खेले गए मैच में पांड्या गेंद को अपने चेहरे के करीब ले गए और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इसके साथ कुछ कर रहे हैं। इसी गेंद पर उन्होंने पाकिस्तानी ओपनर इमाम उलहक को आउट कर दिया था। सोशल मीडिया पर उनकी इस हरकत के हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही थी। कुछ का ये कहना था कि उन्होंने इमाम को आउट करने की खातर उस पर थूक लगाया गया और कुछ का ये कहना है कि इसने काला जादू किया है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसने जो हकीकत बताई तो चलिए आपको बताते हैं। जब इस बारे में पांड्या से नशरियाती अदारे की जानिब से पूछा गया कि तो इनका कहना था कि मैं दरअसल ख़ुद को बुरा भला कह रहा था कि मुझे ज़्यादा बेहतर लेंथ ने साथ गेंद करना चाहिए। ये पता नहीं झूठ है या सच है। इसने तो कहा है कि मैंने अपनी बॉलिंग अच्छा करने के लिए अपने आप पर गुस्सा किया। इमाम को आउट करने के बाद पांड्या ने उन्हें बाहर जाने का इशारा किया, जिस पर पाकिस्तानी शायकीन की जानिब से उन्हें तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। आपको इसकी हरकत पर कितना गुस्सा आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये गुस्से वाली बात है, इसीलिए मैंने सीधा पूछ लिया कि आपको कितना गुस्सा आया।